दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलॉट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ये है कि आखिर में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में आईटीआई वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि अधिकतर डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो रहा है और आईटीआई वाले दिन पर दिन पिछड़ते जा रहे हैं। कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं आईटीआई वाले, बात करेंगे इस पर। मैं आपको बताऊं कि किसी समय एएलपी में चाहे रेलवे में आने के लिए सिर्फ एक ही मात्र जरिया होता था, वो होता था आपका आईटीआई कोर्स, जो कि आपका एक ऐसा पॉपुलर कोर्स हुआ करता था कि टेक्नीशियन से लेकर के और लोको पायलट तक की वैकेंसी में आप देखते थे कि आईटीआई वालों की बहार रहती थी। लेकिन क्या ऐसा अब हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब मैं दिन पर दिन देखता जा रहा हूं कि लोको पायलट में आपकी जो आईटीआई वालों के आने का रेशियो है टोटल वैकेंसी में से, वो आपका बहुत कम हो रहा है और लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है और इस बात पे दोस्तों चर्चा भी बहुत जरूरी है कि आखिर में एएलपी वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं, एएलपी में आपके आईटीआई वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। जबकि बात करें दोस्तों आपके 2018 से पहले, जब आपका बीटेक डिप्लोमा एलिजिबल नहीं था, तो इसी वैकेंसी में आईटीआई वालों की बहार रहती थी। तो सारे कारणों पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे कि आईटीआई वालों का दोस्तों सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इसके पहले जरा सा एक बात समझिए कि बीटेक और डिप्लोमा के बारे में बात करें तो बीटेक और डिप्लोमा का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स आपका 3 साल का होता है, बीटेक का कोर्स आपका 4 साल का होता है। ठीक है, और 3 साल में लगभग जो है डिप्लोमा वाले आपके 30 जो है आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, 30 आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और लगभग आप लोगों के 40 के आसपास सब्जेक्ट जो है आपके बीटेक वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो आईटीआई सबसे पहली बात तो 2 साल का कोर्स है, उसमें भी आप ये देखते हो कि आईटीआई वाले कितनी सीरियसली रूप से आईटीआई करते हैं। आईटीआई में मात्र 5 से 10% ही ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि सीरियसली रूप से आईटीआई की अपनी प्रिपरेशन करते हैं और आईटीआई के टेक्निकल को पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो 90% ऐसे आपके आईटीआई कॉलेजेस जहां पे आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। तो मात्र 2 साल का आईटीआई रहता है, यूं ही निकल जाता है। ठीक है, और पता नहीं चलता 10th के बाद से लोग एंट्री ले लेते हैं और वहीं से रेस में वे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 2 साल आपका आईटीआई का है, अगर आपने इसमें अपने टेक्निकल को स्ट्रांग नहीं किया, अगर आपने इसमें पीसीएम को स्ट्रांग नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है एएलपी टेक्नीशियन कुछ भी नहीं बन पाएंगे। जबकि वही मैं आपके डिप्लोमा वालों की बात करूं या बीटेक वालों की बात करूं तो ये वही करते हैं जो कि आपकी पीसीएम 10+2 से पढ़े रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने 10+2 में पढ़ा है तब जाकर क्या बीटेक में दाखिला लेते हैं। तो इनका बेस जो है ना वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, बेस इनका स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग रहता है, आपको ये बात याद रखना है। और बेस इनका स्टार्टिंग से स्ट्रांग रहने के कारण क्या होता है कि इनका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो आपके स्टार्टिंग से ही बढ़ जाते हैं। प्लस ये चाहे बीटेक वाले हो या डिप्लोमा वाले हो, इनका टेक्निकल इतना स्ट्रांग होता है कि मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा सा वो प्रिपरेशन पे जोर लगा देते हैं तो आईटीआई निकाल ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि एक्चुअली में बात ये होती है ना कि बीटेक वाले अपने लास्ट ईयर से ही गेट वगैरह की तैयारी करने लगते हैं तो टेक्निकल उनके स्ट्रांग हो जाता है, और डिप्लोमा वाले भी जेई की तैयारी करने लगते हैं तो जेई और एएलपी का सिलेबस सेम होने के कारण आप लोगों का उनका टेक्निकल स्ट्रांग हो जाता है। और लोको पायलट के कंडीशन के बारे में बात करें तो जो आपका लोको पायलट के एग्जाम में आपका CBT 1 होता है, इसमें तो सभी क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, CBT 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं क्योंकि वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है, तो ये लोग जो है पहले से क्वालिफाई करते हैं। सभी लोग ऑलमोस्ट जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है क्लियर कर लेता है। बात जो फंसती है आपकी पार्ट टू में फंसती है। ठीक है, क्योंकि पार्ट टू में आपका जो कैलकुलेशन है वो आईटीआई में उतना होता नहीं, और आपके जो एक एक छोटे छोटे टॉपिक आईटीआई में है ना, आईटीआई में आपका जो छोटा छोटा एक टॉपिक आप देख रहे हो, उस टॉपिक का पूरा बड़ा बड़ा चैप्टर और बड़े बड़े किताब पढ़ाए जाते हैं डिप्लोमा और बीटेक में, और आप क्या पढ़ते हो, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हो। जबकि पैटर्न जब से बदला है, जब से 2018 के बाद एएलपी में आपके डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले आए हैं, तब से जो आपका पार्ट टू का जो टेक्निकल सेक्शन होता है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कट ऑफ डिसाइड वगैरह करता है, तो इस टेक्निकल में आप देखोगे तो इतने जबरदस्त लेवल का टेक्निकल पूछा जा रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका जो है असिस्टेंट लोको पायलट का टेक्निकल है जो कि पहले के एग्जाम में हुआ करता था।
बिल्कुल जबरदस्त लेवल का। आप समझ के चलिए कि जूनियर इंजीनियर का अगर आपने पेपर देखा होगा तो जूनियर इंजीनियर के पेपर के लेवल का टेक्निकल जो है आपका, ये एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा जाता है और एएलपी के लोको पायलट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके कारण आईटीआई वालों का एएलपी में सिलेक्शन दोस्तों नहीं हो रहा है। बीटेक डिप्लोमा वाले सेलेक्ट इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही अपने तैयारी में लगे हुए हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होने के साथ साथ पर्टिकुलर मतलब टॉपिक के आपको पास किताब मिल जाता है पढ़ने के लिए और आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे ना तो जितने आपके राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में कुल 150 के आसपास हैं, और भी बहुत जगहों के आप राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों को ले लीजिए या प्राइवेट को ले लीजिए, बच्चे कॉलेज जाते हैं। मेन रीजन ये है, बच्चे कॉलेज जाते हैं डिप्लोमा में चाहे बीटेक में, तो इसलिए वो पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन उनका होता है। लेकिन अगर आईटीआई वालों का सिलेक्शन लेना है ना, अगर आईटीआई वालों का अपना अस्तित्व एएलपी टेक्नीशियन में बचाना है तो आपको याद रखना है कि आपको जो है बिना कोचिंग का काम नहीं चलेगा। और आईटीआई के 2 वर्षों में, चूंकि आईटीआई आपका जो 2 ईयर का होता है, आईटीआई के 2 वर्षों में ही आप लोगों को 2 चीजें तैयार करनी पड़ेगी। एक तो आपको अच्छे खासे लेवल का टेक्निकल तैयार करना पड़ेगा, प्लस आपको जो है उसी लेवल का आपका नॉन टेक्निकल तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बीटेक और डिप्लोमा के समकक्ष वालों से कुछ टक्कर ले पाएंगे। और एएलपी टेक्नीशियन जो आपकी अपकमिंग है, जो कि आने वाली है, इसमें जो है आप अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप संख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो बीटेक डिप्लोमा वालों की संख्या इतनी है कि आप उनसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो कोचिंग वगैरह कीजिए, पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करेंगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन 100% एएलपी में होगा। बाकी दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप सभी स्टूडेंट हमसे बात कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपके सवालों का जवाब बिल्कुल 100% दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।